हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB 6 सेमेस्टर के पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड मॉडल पेपर 1 के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी इस मॉडल पेपर 1 को सॉल्व कर पाए। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, चलिए मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ सेकंड का समय मिलेगा, आप अपना आंसर लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और उस आंसर से आप मैच करिएगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ हमें कुछ तैयार हुआ है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही होगा, 1955 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है सफ़ेद पोष अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार के कानून का सृजन किया है। दूसरे में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है सफ़ेद पोष अपराध का मुख्य कारण क्या है। तीसरे में आपका ए ऑप्शन सही होगा, मनुष्य के धन अर्जन की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, सफेद पोष अपराध को नियंत्रित करने के लिए किन उपायों को किया जाना चाहिए। देखिए 4 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटो के अनुसार अपराध के मुख्य कारण क्या हैं। देखिए 5 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, लालची और लोलुप प्रवृत्ति के। 6 नंबर, एडविन सदरलैंड ने प्रथम बार डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का प्रयोग कब किया। देखिए 6 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, 1939 में। 7 नंबर, डिफरेंशियल थ्योरी क्या है। देखिए 7 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, एट नंबर, अपराध मानव का ऐसा व्यवहार है जिससे आपराधिक विधि का अतिलंघन होता है, यह किसका कथन है। देखिए 8 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, नाइन नंबर, आपराधिक कृत्य के लिए अपराधी के सामाजिक एवं आसपास का वातावरण महत्वपूर्ण होता है, यह किसका मत है। देखिए 9 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्रिमिनाइड्स के अंतर्गत किस प्रकार के अपराधी सम्मिलित हैं। देखिए 10 में आपका डी ऑप्शन सही होगा,
क्वेश्चन नंबर 11। अपराध एक ऐसा कार्य है जिसका दंड विधि के अंतर्गत प्रतिसिद्ध किया गया है तथा जिसका किया जाना दंडनीय होता है, यह किसका कथन है? देखिए 11 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। अपराध शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय क्या है? देखिए 12 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। तेरह नंबर, साइबर क्राइम किस प्रकार के होते हैं? देखिए 13 में यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर, अपराध शास्त्र की विचारधाराओं की गणना किस रूप में की जा सकती है? देखिए 14 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर, जन्मतः अपराधी कैसे होते हैं? देखिए 15 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 16 में, इनमें से किसने आपराधिक तुष्टि के सिद्धांत को जन्म दिया? देखिए 16 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर, बकारिया ने अपराध को कितने भागों में बांटा है? देखिए 17 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर, अपराधी के अपराध को रोकने में कौन से तत्व सहायक हो सकते हैं? देखिए 18 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर, विधि की उपयोगितावादी दर्शन किसने दिया? देखिए 19 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर, मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? देखिए 20 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर, आर्थिक विपन्नता और अपराध एक दूसरे से प्रत्यक्षतः जुड़े हैं, यह किसका मत है? देखिए 21 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 2, विभेदक साहचर्य के सिद्धांत के नियम को किसने बताया? देखिए 22 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा।
23 नंबर, मानव में एक ऐसा आचरण है जिससे आपराधिक विधि का उल्लंघन होता है। देखिए 23 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। चौबीस नंबर, संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध कहलाता है, यह किसका कथन है? देखिए 24 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर, शांति के विरुद्ध अपराध कौन से होते हैं? देखिए 25 में आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से अपराध राज्य की शांति के विरुद्ध अपराध हैं? देखिए 26 में आपका यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। सत्ताईस नंबर, अपराध एक ऐसा कृत्य है जिसे समाज के लिए हानिकारक माना गया है, यह किसका कथन है? देखिए 27 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर, अपराध मानव का एक ऐसा आचरण है जिससे आपराधिक विधि का उल्लंघन होता है, यह किसका कथन है? देखिए 28 में आपका यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर, धारा 53 भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 29 नंबर में आपका यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। 30 क्या कहता है? एनरिको फेरी अपराध के 3 कारण कौन से बताए हैं? देखिए 30 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर, अपराध ऐसा कार्य या लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया राज्य द्वारा निषिद्ध कृत्य है, यह किसका कथन है? देखिए 31 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 32, प्रो बोंगर ने सैद्धांतिक अपराध शास्त्र के कितने शीर्षक बताए हैं? देखिए 32 में आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर, आपराधिक सिंडिकेट को क्या कहते हैं? देखिए 33 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर, प्रत्येक व्यक्ति के विषय में
यह अवधारणा है कि वह विधि को जानता है। यह कथन किसने कहा? देखिए 34 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। पैंतीस नंबर, दंडों के प्रकार का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? 36 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर, इनमें से किस विधि शास्त्री ने यह बताया है कि कार्य को मानव आचार का भौतिक परिणाम बताया है? एक कृत्य के अंतर्गत अवैध लोप भी निहित होता है। 37 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर, अपराध विधि के अधीन किस प्रकार का कार्य है? 38 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर, अपराध वह है जो राज्य ने अच्छे या बुरे कारणों के कारण निषिद्ध कर दिया है। यह कथन किसका है? देखिए 39 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर, ईडी ईगो सुपर ईगो मानव मस्तिष्क की तीन भावनाएं होती हैं। यह कथन किसने कहा? देखिए 40 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर, सुगठित अपराध किसे कहते हैं? 41 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर, नव अपराधी कौन होते हैं? 42 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 43, नव अपराधी के संबंध में क्या सत्य नहीं है? 43 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर, भूल को प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार करने के संबंध में निम्न में से क्या सही है? 44 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर, एक्टर्स रियस के संबंध में क्या सही है? 45 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर, इनमें से किस विधि शास्त्री का यह कथन है कि अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए
अरुचिकर एक कार्य है। देखिए 46 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। सैतालीस नंबर अपराध, कोई भी अवांछनीय कार्य है जिसे राजदंड आरोपित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर सबसे उपयुक्त ढंग से परिशुद्ध करता है, न कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विवेक द्वारा। यह कथन इनमें से किसका है? सैतालीस नंबर देखिए 47 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। अड़तालीस नंबर अपराध के सामान्य लक्षण हैं, राज्य द्वारा कार्यवाही को नियंत्रित करना, दंड को क्षमा करना तथा दंड देना। यह कथन इनमें से किसका है? देखिए 48 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। उनचास नंबर पॉजिटिव विचारधारा का प्रमुख प्रणेता कौन है? देखिए 49 नंबर में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सफेद पोश अपराध की अवधारणा को किसने विकसित किया? देखिए 50 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। इक्यावन नंबर लोम्ब्रोसो ने कितने प्रकार के अपराधी की बात की है? देखिए 51 नंबर में आपका यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी के कौन से प्रकार हैं? देखिए 52 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर क्या अपराध शास्त्र एक विज्ञान है? देखिए 53 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर अपराध शास्त्र के संबंध में क्या सत्य है? देखिए 54 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर शारीरिक बनावट तथा आपराधिकता विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए 55 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 56 नंबर आपराधिक परिषद के विषय में क्या सही है? देखिए 56 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर अपराध एक ऐसा कार्य है जो दंड विधि के अंतर्गत दंडनीय है तथा विधि के द्वारा निषिद्ध है, यह किसका कथन है? देखिए 57 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर
अपराध एक ऐसा अवैध कार्य है जो लोकहित के विपरीत है तथा जिसके करने वाले को विधि के अंतर्गत दंड दिया जाता है, यह किसका कथन है? देखिए 58 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। उनसठ नंबर, बहुकारणीय सिद्धांत के विषय में क्या सत्य है? देखिए 59 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। साठ नंबर, क्रिमिनाइड्स के संबंध में क्या सही है? देखिए 60 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। इकसठ नंबर, प्री क्लासिकल विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? देखिए 61 नंबर में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 62 नंबर, अपराध शास्त्र की शुरुआत कहां से हुई? देखिए 62 नंबर में ए ऑप्शन सही होगा आपका। 63 नंबर, मुल्ला समिति का गठन कब किया गया? देखिए 63 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन जेल सुधार के लिए किया गया? देखिए 64 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर, बालक न्याय अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए 65 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 66 नंबर, भारत सरकार ने महिला कारावासियों के लिए समिति का गठन कब किया? देखिए 66 नंबर में सी ऑप्शन सही होगा। 67 नंबर, दंड एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना है और आवश्यक नहीं है कि इसमें पीड़ा या क्लेश हो, यह किसने कहा? देखिए 67 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 68 नंबर, दंड को विधि का प्रतिरोध निम्न में से किसने माना है? देखिए 68 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 69 नंबर, प्रतिशोधक सिद्धांत के विषय में क्या सही है? देखिए 69 नंबर में आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर, निम्न में कौन दंड के सिद्धांत हैं? देखिए 70 नंबर में आपका यहां पर
डी ऑप्शन सही होगा। 71 नंबर, प्रतिरोधक सिद्धांत के विषय में इनमें से क्या सही नहीं है? देखिए 71 नंबर में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 72 नंबर, निम्न किस विद्वान ने अपराध शास्त्र को बृहद और संकुचित रूप में प्रयोग किया है? देखिए 72 नंबर में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अपराध शास्त्र के क्षेत्र को सुनिश्चित करने में सक्षम हैं? देखिए 73 नंबर में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 74 नंबर, सदरलैंड ने अपराध शास्त्र की विषय वस्तु को निम्न किस भाग में विभक्त किया है? देखिए 74 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर, इनमें से कौन अपराध शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता है? देखिए 75 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 76 नंबर, निम्न में से कौन दंड के मुख्य औचित्य हैं? देखिए 76 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 77 नंबर, दंड की आधुनिक प्रवृत्ति के विषय में क्या सही है? देखिए 77 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 78 नंबर, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए 78 में ए ऑप्शन सही होगा। 79 नंबर, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए 79 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत निम्न कौन से तथ्य सही हैं? देखिए 80 में डी ऑप्शन सही होगा। 81 नंबर, आश्रय गृह का प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? देखिए 81 में ए ऑप्शन सही होगा। 82 नंबर, दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और
इनमें आवश्यक नहीं कि कष्ट या पीड़ा सम्मिलित हो। यह किस विधि शास्त्री के अनुसार है? देखिए 82 नंबर में आपका यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। तिरासी नंबर, हम दंड की परिभाषा उस जागरूक दबाव के रूप में कर सकते हैं जो समाज की शांति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभव युक्त कष्ट जो सदैव ही उस व्यक्ति के हित में नहीं होता देता है। ये कथन किसका है?